नमस्कार साथियों, मैं हूं अनुराग मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं स्टैटिक जीके का, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको जो है पसंद आने वाला है। मैं आपको बता दूं, वनडे एग्जाम जो इतने भी तरह के होते हैं जिसमें आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है, उसके लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और आपका जो है 2 से 2.5 घंटे में ये कंप्लीट मैं आपकी कर दूंगा। इसमें जैसे टॉपिक आ जाते हैं, महत्वपूर्ण दिवस हो जाते हैं, अवार्ड्स वगैरह हो जाते हैं, खेल से जुड़े हुए हो जाते हैं, खेल से जुड़ी हुई शब्दावली हो जाती है, इस तरह की चीज़ें आपके आ जाए, भारत रत्न है आपका जो है न, ठीक है। तो इस तरह के जो है इससे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बता दूँ, आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं, आपको जो है PDF नोट्स भी इसका मिल जाएगा। अभी 80 से 90% जो है ऑफ चल रहा है, आप जाकर लपक के जाइए और ख़रीद के आइए, ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आइए देख लेते हैं आपका स्टैटिक जीके आज का। सबसे पहले तो हम लोग महत्वपूर्ण दिवस से शुरू करेंगे, ठीक है। महत्वपूर्ण दिवस या कह सकते हैं महत्वपूर्ण दिनों से शुरू करेंगे जो कि अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपका सबसे पहला आपका आ जाता है 15 जनवरी, ठीक है। आइए एक एक करके देखते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर जो है स्वामी विवेकानंद का इस दिन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। दूसरा आ जाता है आपका राष्ट्रीय थल सेना दिवस, 15 जनवरी को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय थल सेना दिवस, या इसको कह सकते हैं इंडियन आर्मी डे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपको गणतंत्र दिवस की बात करें तो मुझे उम्मीद है कि दुनिया में तो नहीं, भारत देश का हर बच्चा बच्चा जानता हो कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है। अगर ये भी नहीं पता होगा तो हम मरने वाली नौबत आएगी, मतलब डूब मरने की, मतलब आप नहीं मतलब मैं डूब मरूँ, ऐसी नौबत आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शहीद दिवस की बात करें तो आपका 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 30 दिवस को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तटरक्षक दिवस की बात करें तो नेशनल आपका कहाँ गया, इंडियन कोस्टल गार्ड डे, ठीक है। आपका जो है तटरक्षक दिवस की बात करें तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। उत्पादकता दिवस की बात करें तो 12 फरवरी को मनाया जाता है। वैलेंटाइन दिवस की बात करें तो आपका जो है 14 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय उत्पादकता शुल्क दिवस जो है 24 फरवरी को मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो है रिपब्लिक डे आपका 26 जनवरी को मनाया जाता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट दिवस जो है, वैसे इसका कुछ तुक नहीं बनता है, लेकिन आजकल जो है दारू पी पा कर भी एग्जाम में प्रश्न बना देते हैं लोग, उल्टे सीधे प्रश्न आ जाते हैं, तो हो सकता है आपकी किस्मत जो है जाग जाए और आपका जो है वैलेंटाइन डे से जो है प्रश्न पूछ लिया जाए, क्योंकि हो सकता है ये राष्ट्रीय त्यौहार हो उनके लिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ज़्यादा शौक रखने वाले तो इस तरह के त्यौहारों को बहुत अच्छे से याद रखते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंट्रल सेंट्रल एक्साइज डे की बात करें तो 24 फरवरी को, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे जो है 12 फरवरी को आप देख सकते हैं। तो चलिए आइए नेक्स्ट बात करते हैं, हम इसी में ही आगे दिवस देख लेते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की बात करते हैं तो 4 मार्च को मनाया जाता है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बात करें, किधर गया बेटा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कह सकते हैं, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की बात करें तो हमारा जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस की बात करें तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस या कहें इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 23 मार्च को मनाया जाता है। विश्व थिएटर दिवस की बात करें तो 7 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल मैरीटाइम दिवस की बात करें तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो मैं बता दूं, इस तरह के जो है अन्य सब्जेक्ट के भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, ठीक है। वर्ल्ड मेरी किधर गया, एक मिनट, यहाँ पर मैं ये भी बता दूं, विश्व मौसम विज्ञान दिवस की बात करें तो 3 मार्च को मनाया जाता है। नेशनल मेरी टाइम डे की बात करें तो 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ डे की बात करें तो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व रंगमंच दिवस या कहें जो है वर्ल्ड जो है थिएटर डे की बात करें तो 27 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, और विश्व रंगमंच दिवस जो होता है आपका 4 मार्च थिएटर डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो है 27 मार्च को मनाया जाता है। कहाँ गया बेटा, 27 मार्च को मनाया जाता है, 4 मार्च ये तो फालतू की बकवास है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
विश्व विरासत दिवस की बात करें तो 18 मार्च को मनाया जाता है, 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस, या कहें विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस जो है बहुत फेमस है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। वर्ल्ड अर्थ डे की बात करें तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व मजदूर दिवस की बात करें तो 1 मई को मनाया जाता है, अंतर किधर गया, विश्व मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है, लेबर डे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस की बात करें तो 3 मई को मनाया जाता है, इंटरनेशनल किधर गया, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस इसमें मनाया है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस की बात करें तो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस आपका जो है 3 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 13 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस की बात करूँ किधर गया, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय एकता दिवस, ठीक है। राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 13 मार्च को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस जो है 17 मई को मनाया जाता है, ठीक है। एक और आपको बता दूँ, वर्ल्ड हेरिटेज डे जिसको विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस कह सकते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन डे जो है 17 मई को मनाया जाता है, या विश्व दूरसंचार दिवस। इसके बाद एक और रह जाता है, यहाँ पर आपका रह जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, यानी कि ऊर्जा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आपका जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है, याद कर लेना आप। नेक्स्ट बात करते हैं अपना आतंकवाद विरोध दिवस, आतंकवाद विरोध दिवस तो आपका जो है 21 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ दिवस की बात करें तो 24 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें तो आपका 5 जून को मनाया जाता है। डॉक्टर दिवस की बात करें तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है। कारगिल स्मृति दिवस जो है 26 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। तो एंटी टेररिज्म डे की बात करें तो आपका 21 मई को मनाया जाता है। कॉमनवेल्थ डे की बात करें तो आपका 24 मई को मनाया जाता है। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की बात करें, विश्व जनसंख्या दिवस जो है 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका 26 जुलाई को जो है कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस, 5 जून जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और डॉक्टर्स डे की अगर बात करें, विश्व वो डॉक्टर्स डे की बात करें तो आपका कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व युवा दिवस की बात करें, विश्व युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें, राष्ट्र मतलब 51 साल वाला युवा नहीं, मैं बता रहा हूँ मतलब हमारे स्वामी विवेकानंद जी वाला, स्वामी विवेकानंद जी का जो है जन्म दिवस था उस दिन, तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। यहाँ पर जो है विश्व युवा दिवस की बात करें तो हमारा राहुल गांधी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है उनका जन्म दिवस, क्योंकि वो 51 साल के युवा नेता है, 51 52 साल के, ठीक है, 54 साल के हैं, 54 के हो गए, ठीक है। स्वतंत्रता दिवस की बात करें तो 15 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। राजीव गांधी सद्भावना दिवस जो है 20 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करें तो 29 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट डे 5 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस की बात करें तो 8 सितंबर को मनाया जाता है, 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस, ठीक है। उसके बाद विश्व हिंदी दिवस की बात करें तो 14 सितंबर को मनाया जाता है, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस की बात करें तो हमारा 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस की बात करें तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस जो है 1 अप्रैल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अबे भाई कहाँ भाग जाते हो आपको, यहाँ विश्व डाक दिवस की बात करें, विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है, आप सही कर लेना, इसमें 8 है, तो विश्व डाक दिवस जो है 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड पोस्ट डे, ठीक है। विश्व खाद्य दिवस की बात करें तो 26 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस। संयुक्त राष्ट्र दिवस की बात करें तो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र दिवस। बाल दिवस की बात करें, बाल मतलब चिल्ड्रन वाला बाल, हेयर वाला बाल नहीं, ठीक है, 14 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पे। विश्व एड्स दिवस जो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू को शायद हो गया था, इसके बाद मनाया भी गया था, 1 दिसंबर से मनाया जाता है। नौसेना दिवस की बात करूं तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। झंडा दिवस की बात करूं तो 7
दिसंबर को मनाया जाता है। यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इंडियन नेवी डे, ठीक है, भारतीय नौसेना दिवस, सशस्त्र सेना या कहें झंडा दिवस जो है 7 दिसंबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, ठीक है, उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन डे, यूनिसेफ डे, मानव अधिकार दिवस, ठीक है, आपका किसान दिवस, ठीक है, एड्स दिवस, ठीक है। आइए समझते हैं, मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस की बात करें तो 11 दिसंबर को मनाया जाता है यूनिसेफ दिवस। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की बात करें तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। और किसान दिवस की बात करें तो हमारा 23 दिसंबर को मनाया जाता है किसान दिवस, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं खेलों के ऊपर। खेलों में जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो आपका ओलंपिक हो जाता है, ठीक है, खेलों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है ओलंपिक आ जाता है। तो हम लोग ओलंपिक से शुरू करेंगे। ओलंपिक की अगर बात करें तो प्राचीन, ये बहुत समय से खेला जा रहा है, तो प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत जो है 766 वो 776 ईसा पूर्व में जो है यूनान में हुई थी। इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय खेल समारोह के रूप में समझा जाता है, ठीक है। ये आप लोगों को पता ही है कि जितना ज़्यादा आपका जो है अच्छा नंबर लाएगा ओलंपिक में, उसके जो है पहुँच जो है, या कह सकते हैं उसकी उसकी जो है उसका सम्मान उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो है बाजी मार ले जाता है इसमें, अमेरिका है, चाइना है, ये देश जो है मार ले जाते हैं, ठीक है। चलिए कुछ समय बाद जो है आपको बता दूं, जब शुरुआत हुई थी 776 में ईसा पूर्व में, कुछ समय बाद रोमन सम्राट ने इस खेल को जो है बंद कर दिया था, यानी आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिया था। आधुनिक समय का ओलंपिक की अगर बात करें तो कब से शुरुआत हो, तो आधुनिक ओलंपिक की शुरुआत जो है 1896 में से हुई थी। और इस खेल का आयोजन जो प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। भारत ने पहली बार कब भाग लिया था ओलंपिक में, तो भारत ने पहली बार जो भाग लिया था वो लिया था आपका 1920 में, ठीक है। यहाँ पर जो 1920 के जो ओलंपिक हुए थे उसमें जो है भारत ने भाग लिया था, ठीक है। किधर गया, 1920 वाला ये रहा, 1920 में आपका भारत ने भाग लिया था, ठीक। ओलंपिक खेल का प्रतीक जो होते हैं छल्ले होते हैं, ठीक है, छल्ले होते हैं, जो कि 5 महादेशों का संबोधन है, 5 महादेश या कह सकते हैं महाद्वीपों का संबोधन है, जिसमें आपको मैं अगर दिखाऊं, यहाँ पर आप देख सकते हैं छल्ले, यहाँ पर देखते हैं यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ठीक है, ओलंपिक के जो रिंग होते हैं। सन 1924 में शीत ओलंपिक की भी शुरुआत हुई थी, और सन 1912 में ओलंपिक में महिलाओं ने प्रवेश भी मिल गया था, यानी कि महिलाओं ने भी यहाँ पर सबसे पहले प्रवेश लिया था 1912 में। भारत ने प्रवेश किया था 1920 में, ठीक है, ठीक है। कब शुरू हुआ था, 1896 में हुआ था, ठीक, कहाँ हुआ था, एथेंस में हुआ था, ठीक है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट देख लेते हैं, आज़ादी के बाद जो हुए हैं, लंदन में हुआ है 1948 में, 1952 में जो है आपका ओस्लो में हुआ, जगह है ये ओस्लो, हेलसिंकी में 1952 में, ठीक है, 1956 में जो है क्वारंटीना, ठीक है, आपका जो है स्टॉकहोम, ठीक, 1956 में, 1960 में जो है आपकी वैली में हुआ है, रोम में हुआ है 1960 में, 64 में आपका इंसब्रक में हुआ है, उसके बाद टोक्यो में हुआ है 1964 में, ठीक है। ग्रेनोबेल जो है आपका, ग्रेनोबेल जो है आपका 1968 में हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, ओलंपिक कहाँ और कब कब हुए हैं इसमें इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला आप देख लीजिए, 1896 में एथेंस में हुआ था ओलंपिक का स्थान, एथेंस में हुआ था। देश कहाँ पर है, कौन से देश में पड़ता है एथेंस, आपका पड़ता है यूनान में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका एथेंस, ठीक है, ये ग्रीस वाला क्षेत्र, यहाँ पर पड़ता है एथेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा हुआ था 1900 में, कब कहाँ पर हुआ था, पेरिस में। देश कहाँ पर पड़ता है, ये आपका फ्रांस में, ये आप देख सकते हैं फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक है। बाकी का आप देख लेना, ये आपका मैप मैंने बना दिए हैं। 1920 वाला देख लेते हैं, एंटवर्प में हुआ था, बेल्जियम में पड़ता है एंटवर्प आपका, बेल्जियम, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, एंटवर्प, बर्फ, बर्फ, बेल्जियम, एंटवर्प, बेल्जियम, बेल्जियम, यहाँ पर आपको मिल जाएगा एंटवर्प, बेल्जियम, एंटवर्प, बेल्जियम, इसमें मैंने डाला था, ये है आपका बेल्जियम में, ठीक है, ये यहीं पड़ता है एंटवर्प, ठीक है। और जब महिलाओं ने पहली बार लिया था तो स्टॉकहोम में लिया था, स्वीडन में, यहीं पड़ता है आपका स्टॉकहोम, स्वीडन, ठीक, ये है आपका स्वीडन, और स्वीडन में ही आपको मिल जाएगा स्टॉकहोम, ठीक, स्टॉकहोम, ये रहा स्टॉकहोम, ठीक है। 1920 में लिया था बेल्जियम में, भारत ने लिया था, ठीक है, ये बेल्जियम में आपको अलग से दिखा देता हूँ, ये आपका बेल्जियम, और बेल्जियम में कौन सी जगह पड़ती है, बेल्जियम में
बेल्जियम में पड़ती जो है वो है एंटवर्प। एंटवर्प आपको इसमें दिख जाएगा, ये है आपका एंटवर्प। आइए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वर्तमान में देख लेते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है। 2016 वाला देख लेते हैं, रियो में हुआ था 2016 वाला, रियो में, जो कि ब्राज़ील में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, कहाँ पर है आपका, ये है आपका ब्राज़ील। ठीक है, रियो में हुआ था। अब देख लेते हैं 16 के बाद 20, 20 के बाद जो है 24। ठीक है, तो 20 में आपको बता दो जो होने थे ओलंपिक वो हो जाता रद्द, क्योंकि आप लोगों को पता है कोरोना जो है महामारी की वजह से बहुत भसड़ फैल गई थी। ठीक है, तो ऐसे 5 मौके आए हैं जब जो है आपका ओलंपिक रद्द हुआ है। सबसे पहला जो है 1916 में हुआ था, बर्लिन ने मेजबानी करनी थी, पहला विश्व युद्ध के कारण ये हो जाता है रद्द। दूसरा 1940 में हुआ था, टोक्यो में ये होना था और दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और आपका ये हो जाता है रद्द। 1944 में दूसरा विश्व युद्ध ही चल रहा था, लंदन में होना था, दूसरा विश्व युद्ध के कारण ये भी जो हो जाता है रद्द हो जाता है। उसके बाद 1940 में सेपेरो में जो होना था आपका, दूसरा विश्व युद्ध के कारण ये हो जाता है और आपका 1944 में जो है रद्द हो जाता है, कॉर्टिनो डी इम्पेजो। ठीक है, अब एक ही चीज़ यहाँ की अगर हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो इन 5 जगह का ओलंपिक जो है रद्द हो गया था, लेकिन ये दोबारा नहीं हुए। लेकिन आपका जो 6वीं बार जो ओलंपिक जो रद्द हुआ, जो कि 2020 में होना था, टोक्यो इसकी मेजबानी करने वाला था, उसका क्या हुआ, उसका हुआ ऐसा कि पहली बार ऐसा मौका आया है कि वैसे कहाँ पर आपको बता दूँ, वैसे जो है जितने भी जो आपके क्या बोलते हैं हमेशा जो है इवेन में होता है। ठीक है, इवेन में होता था हमेशा, यानी कि आपका 2, 4, 6, यानी कि 16, 40, 44, ठीक है, 76, 96 ऐसे हुआ था, लेकिन पहली बार ऐसा मौका आया है कि इवेन की जगह वो ओड की, इवेन की जगह किस में हुआ है, ओड ईयर में हुआ है। यानी कि आपको बता दूं जो 2020 में ओलंपिक जो रद्द हो गए थे, किसी कारण से डिले हो गया था, जापान में होने थे, उनको क्या कर दिया गया था, उनको जो कर दिया गया था रद्द करने के बाद 2021 में उनको कराया गया था। ठीक है, तो आइए तो एक नज़र डाल लेते हैं। तो जापान में ये होना था, जापान की राजधानी में 132 में समर ओलंपिक यानी कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 होने थे, जो कि टल गए थे, आप लोगों को ये बात पता है। ठीक है, तो टल गए थे लेकिन अटल नहीं हुआ था, तो वो आपको पता ही है कि टोक्यो है तो उससे कराना ही कराना था। तो गेम्स टलने के साथ ही ये भी तय हो गया कि अब टोक्यो 125 साल के इतिहास में नया रिकॉर्ड बनाएगा। और खेल प्रेमी जानते हैं कि आधुनिक समर ओलंपिक पहली बार 1896 में आयोजित हुए थे, तब से यह खेल जो है महाकुंभ माना जाता है। एथेंस में सबसे पहली बार आधुनिक वाला जो है हुआ था, एथेंस में हुआ था। उसके 4 साल के बाद आप लोगों को पता है हर 4 साल में क्या होते हैं, ओलंपिक होते हैं। तो सिर्फ 3 बार ऐसा मौका आया है, समर ओलंपिक की बात करें 3 बार ऐसा मौका आया है जब ये खेल रद्द हुए हैं। ठीक है, 3 बार समर ओलंपिक और 2 बार जो है विंटर ओलंपिक जो है क्या हुए हैं आपके, रद्द हुए हैं। पहली बार आपको बताया था 1916 में हुआ है, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के कारण। दूसरी बार जो 1944 और 40 दूसरे विश्व युद्ध के कारण ये हो गए थे। ओलंपिक का इतिहास की बात करूं तो वर्तमान में 2022 को अगर जोड़ लिया जाए तो कितने साल पुराना है, 125 साल पुराना है। ठीक है, ठीक है, जब अगले साल यानी कि 2032 में ओलंपिक आयोजित किए जाएंगे, यानी कि आपको उस समय की बात बता रहा हूँ, 20 की बात हो रही थी, तो आपको 20 में मतलब कैंसिल कर दिए थे। कैंसिल होने के बाद सोचा क्योंकि पैसा है टोक्यो के पास और लगा कि यार बेइज्जती वाली बात थी, फिर मौका कहाँ, जब 1940 से लेकर दोबारा से मौका मिला है। ठीक है, 1940 से लगभग 80 साल बाद मौका मिला है, तो कौन यार जाने देगा। तो हुआ क्या, 32 में ओलंपिक जो है आपके जो है टोक्यो में ही हुए थे। कब हुए थे आपको बता दूं, 2021 में हुए थे, जब पहली बार ऐसा मौका आया है कि ओलंपिक ऑड ईयर यानी कि विषम साल में आयोजित किए गए थे। ठीक है, ओलंपिक में ऑड ईयर का इतिहास कोरोना वायरस के कहर के कारण बनाया गया है ये। ठीक है, तो 125 साल के इतिहास में पहली बार जो है ऑड ईयर में जो है आपके जो है ओलंपिक हुए थे। इन खेलों की अगर बात कर लूँ कब से कब शुरू हुए, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर दिखा दूँ। खेलों का महाकुंभ यानी कि ओलंपिक का जापान की राजधानी टोक्यो यानी कि ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2021 में आयोजन हो गए हुए थे आपके, वर्तमान में 2022 चल रहा है। ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत जो है 23 जुलाई 2021 से लेकर समापन जो है 8 अगस्त को हुआ था। ओलंपिक खेलों के इतिहास में दूसरा यह मौका है जब टोक्यो को महाकुंभ की मेजबानी करने को मिला है। पहला मौका जब आया था जब आपका 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश क्या था,
आपका ये रद्द हो गया था। तो यहाँ पर जो है कोरोना वायरस के कारण यहाँ पर क्या है, ये सब अपशगुन वाली बात थी कि दूस पहली बार जब मौका मिला था तब भी साला हमारा रद्द हो गया, इस बार हम तो दावत खा के जाएंगे। इसलिए उसने क्या किया, ओलंपिक की दावत जो है आयोजित की और सभी जितने भाई बहन थे सबको जो है समान रूप से दावत खिलाई गई। चलिए 2020 का हो गया, आप देखते हैं 2024 में ओलंपिक कहाँ होंगे। तो 2024 में ओलंपिक जो होने वाले हैं वो होने वाले हैं पेरिस में, और एले में होंगे 2028 वाले, ठीक है 2028 में लॉस एंजलिस, जिसको यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का जो है ये एले राज्य नहीं है, राज्य है लॉस एंजलिस, हाँ लॉस एंजलिस राज्य है, वहाँ पर आपका होगा। चलिए ठीक है, कोरोना वायरस मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स अफेक्टेड, ठीक है तो कौन कौन से जो है प्रभावित हुए थे तो आप उनको देख लीजिए। ठीक ठीक है, और टोक्यो ओलंपिक जैसे प्रभावित हो गया था, क्रिकेट हो गया था इंडिया साउथ अफ्रीका, ठीक है आईपीएल हो गए थे, ठीक है आपका बैडमिंटन, ये सारी टेनिस हो गए थे, ठीक है एथलेटिक्स जो था वो हो गए थे, ठीक है शूटिंग था, बॉक्सिंग था, ठीक है फॉर्मूला वन थी, ये रेसिंग होती है कार की रेसिंग, फुटबॉल था, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आप फुटबॉल के ऊपर थोड़ी सी, फुटबॉल क्या पहले थोड़ा सा एशियाई खेलों के बारे में बात कर लेते हैं, ये भारत के लिए ओलंपिक के समान है। तो पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निरंतर प्रयासों के प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन जो है 1951 में दिल्ली में हुआ था, ठीक है दिल्ली शहर में हुआ था 1951 में, नई दिल्ली में, ठीक है भारत देश में ये नई दिल्ली पड़ता है। खिलाड़ी इसमें कितने थे, 889 खिलाड़ी थे। राष्ट्रों की संख्या कितनी थी, 11 थी। खेलों की संख्या 6 थी। कोई तुक नहीं बनता, बस इतना याद रखना कि कब हुआ था और कहाँ पर हुआ था। दर्जा प्रथम स्थान किसको मिला था, जापान को, भारत को, और तीसरे स्थान पर जो है आपका ईरान रहा था। दूसरा हुआ था मनीला में, फिलीपींस में ये पड़ता है, ठीक है 967 लोगों ने भाग लिया था। जापान इसमें फर्स्ट आया था, सेकंड फिलीपींस, और दक्षिण कोरिया थर्ड नंबर पे आया था। तीसरा हुआ था टोक्यो में जापान, ठीक है इसमें जापान प्रथम आया था। यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, टोक्यो 1958 में हुआ था, नागोया में, ठीक है वो 2026 में होगा। ठीक यहाँ पर जितने भी ओलंपिक होने वो एशियाई खेल होने सबका मैंने डेट दे रखी है, 51 54 58 62 66 77 78 82 86, ठीक है वर्तमान में देखा जाए तो 90 94 98 2002 2006 2010 2014 2018 2022 2026, ठीक है 2022 में आपके होने हैं और 2026 में नगायो में होने हैं, ठीक है ये आपका चाइना में होंगे 2022 में, ठीक है और 2018 में जो है जकार्ता में हुए थे, 2022 में आपके चाइना में होने हैं। यहाँ पर देखिए ये पढ़ा है आपका क्या है, हैंग जो होयू, ठीक है जो भी हो साला इसमें कंफ्यूज करते हैं, चिंग पोंग, ठीक है तो चिंग पोंग से समझ जाइए कि चाइना में होगा, चिंग पोंग समझ गया ना। चलिए होस्ट यहाँ पर सारे दे दिया मैंने, कब किसने किया था, एशियाई खेलों की बात यहाँ पर मिल जाएगी आपको, दोहा, तेहरान, नई दिल्ली, बैंकॉक, ठीक है आपका जो है मनीला और हिरोशिमा, ठीक है सियोल, टोक्यो, ठीक है बीजिंग। आइए आगे बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ खेलों के बारे में बात कर लेते हैं। कॉमनवेल्थ होता क्या है कि आपको जब जो जितने जब आपको पता है अंग्रेजों ने बहुत सारे देशों को उपनिवेश बना रखा था, गुलाम बना रखा था, तो उस समय से ही ये कॉमनवेल्थ खेल होते आ रहे थे, ठीक है मतलब जो गुलाम देश हुआ करते थे उनके लिए ये गेम हुआ करते। तो आइए समझते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रह चुके, देखिए ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेश रह चुके देश कॉमनवेल्थ यानी कि राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेते हैं, ठीक है दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश उपनिवेश स्वतंत्र हो चुके थे तथा राष्ट्रमंडल खेलों का जो है महत्व बढ़ गया था। सबसे पहले जो है राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन जो है 1930 में हुआ था। तो 1930 में कहाँ पर हुआ था, कनाडा में हुआ था, ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। भाग लेने वाले देश जो थे 11 थे, भाग लेने वाले खिलाड़ी 400 थे, खेलों की संख्या जो थी 600 थी। दूसरा 1934 में हुआ था लंदन में, ठीक है ये आपका लंदन है, लंदन में हुआ था, 16 देशों ने भाग लिया था, खेल जो थे 6 थे, ठीक है इतनी काफ़ी है। और तीसरा भी देख ही लो, 1938 में हुआ था, सिडनी में कराया गया था, ये आपका ऑस्ट्रेलिया वाला चेस, ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया, 15 देशों ने भाग लिया था और 467 जो है इसमें क्या थे खिलाड़ी थे और 7 खेल थे। चलिए
अब वर्तमान में देखा जाए कि 2022 में आपका एशियाई खेल कहाँ होंगे, तो बिरमिंगम में होंगे, बिरमिंगम 2022 में होंगे, जो कि आपका यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम या कहें इंग्लैंड का एक क्या है आपका शहर है, ठीक है, बिरमिंगम लंदन के ठीक उत्तर पश्चिम में पड़ता है बिरमिंगम, ठीक है। चलिए ये क्रिकेट विश्व कप के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं यहाँ पर, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है। आइए समझते हैं सबसे पहला कब हुआ था और कहाँ पर और किसके द्वारा जीता गया था। तो देखिए 1975 में हुआ था पहला विश्व कप, इंग्लैंड ने इसको जीता था, वेस्ट इंडीज ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था, इंग्लैंड में ये हुआ था, ठीक है ठीक है। वेस्ट इंडीज ने किसको हराया था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। दूसरा जो हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध इंग्लैंड में ही हुआ था, ठीक है। वेस्ट इंडीज ने क्या किया था, इंग्लैंड को हराया था, ठीक है। यहाँ पर कहें तो यहाँ पर दिया है विनर जो है वेस्ट इंडीज है, दूसरी बार वेस्ट इंडीज। तीसरी बार 1983 में आपको पता है इंडिया ने जीता था विश्व कप वेस्ट इंडीज को हरा कर, ठीक है। बस ये निकलने ही वाली थी वेस्ट इंडीज तीसरी बार भी। और इसके बाद जो है 2019 का में आपका इंग्लैंड ने जीता था, ठीक है, न्यूजीलैंड को हरा कर, ठीक। 2015 में आपका ऑस्ट्रेलिया ने जीता था न्यूजीलैंड को हरा कर। क्लियर हुआ, इतनी जानकारी काफ़ी है। आपका पता है वर्ल्ड कप वाली जो है मूवी बनी है 1983 वाली, ठीक है। आइए समझते हैं, तो इंडिया ने जो है एक एक और दो बार जो है जीता है और दो बार जो है रनर अप में रही है, ठीक है। और पाकिस्तान ने भी जो है बाजी मारी है, पाकिस्तान ने जीता है, ठीक है, 1992 में। और ठीक है चलिए फिर देखते हैं आगे। विश्व फुटबॉल फुटबॉल खेल के बारे में बात कर लेते हैं। विश्व कप फुटबॉल की अगर बात करें तो इसको फीफा के नाम से जानते हैं, फूफा नहीं, फीफा के नाम से भी जानते हैं। तो फुटबॉल विश्व कप फीफा की बात करें तो फुल फॉर्म जो होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। इसको इसके द्वारा इसको आयोजित किया जाता है। फीफा को विश्व कप को जूल्स रीमेट कप भी कहा जाता है, यानी फीफा वर्ल्ड कप को जो है आपका क्या कहा जाता है, जूल्स रीमेट कप भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भैया, तो जूल्स रीमेट की अगर बात करें 1921 से लेकर 53 तक फीफा के अध्यक्ष के नाम के ऊपर ये रखा गया था, ठीक है। 1942 तथा 1946 में विश्व कप फुटबॉल नहीं खेला गया था, क्यों नहीं खेला गया था आपको पता है, द्वितीय विश्व युद्ध की जो है मारामारी चल रही थी। सबसे पहला देखते हैं किसके द्वारा जीता गया था, 1930 में खेला गया था, उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराया था, यानी कि पहला जो बना था विनर था उरुग्वे, ठीक है। कब बना था, उरुग्वे बना था। लास्ट और देख लेते हैं 2018 की बात कर लेते हैं, रसिया ने यहाँ पर जीता था, यूरोप में ये हुआ था। 2022 की बात करते हैं कहाँ, सॉरी जीता की बात करें तो आपका होस्टिंग की थी रसिया ने, ठीक। जर्मनी ने 2014 में इसको जीता था अर्जेंटीना को हरा कर। पूछा जाएगा कि फीफा 2022 जो है कहाँ पर होने, कतर में होने, जो कि एशिया का एक देश है, ठीक है, कतर। 2026 वाले कहाँ पर होंगे भैया, तो कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, जो कि उत्तरी अमेरिका के ये देश हैं, कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ख्याल रखते हैं बहुत तीनों देश एक दूसरे का। चलिए महत्वपूर्ण ट्रॉफियां देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रॉफियों की बात करते हैं, फिर भारतीय ट्रॉफियों के बारे में बात करेंगे। अमेरिकन कप किससे संबंधित है, नौका दौड़ से, यानी कि नौका जो नाव दौड़ होती है उससे संबंधित है। एरोज की बात करें, एरोज कप जो होता है क्रिकेट से संबंधित है, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में ये होता है। कनाडा कप की बात करें तो गोल्फ से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है। विश्व चैंपियनशिप से ये संबंधित है। कोलंबो कप की अगर बात करें तो आपका फुटबॉल से संबंधित है, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और म्यांमार में ये आपस में होता है। कॉर विलियम कप की अगर बात करें तो टेबल टेनिस से संबंधित है, महिलाओं के द्वारा ही खेला जाता है। डेविस कप की बात करें तो लॉन टेनिस से संबंधित है। डर्बी की बात करें तो आपका घुड़दौड़ से संबंधित है, ठीक है। होलकर कप की बात करें तो आपका ब्रिज से संबंधित है, ब्रिज खेल होता है ये, ताश के पत्तों का ब्रिज, ठीक है। बाकी तो आप जानते हैं, घुड़दौड़ जानते हैं, फुटबॉल जानते हैं, क्रिकेट जानते हैं, टेबल टेनिस, पिंग पोंग भी बोलते हैं इसको, और ये जो है आपका लॉन टेनिस है, ठीक है।
जूस रीमेट ट्रॉफी की बात करा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपका, विश्व फुटबॉल से संबंधित है, फीफा से संबंधित है। फीफा को ही आपका जूस रीमेट कप भी बोलते हैं। मडेका जो होता है, मडेका कप जो होता है, ट्रॉफी या कप, फुटबॉल से संबंधित एशिया कप भी इसको कहा जाता है। राइडर कप की बात करें तो गोल्फ से संबंधित है, ठीक है, गोल्फ। रिलायंस कप की बात करें तो आपका क्रिकेट से संबंधित है। श्वेत लिंग विश्व कप की बात करें, श्वेत लिंग विश्व कप की बात करें तो आपका टेबल टेनिस यानी कि पुरुषों से संबंधित है ये टेबल टेनिस, ठीक। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी की बात करें तो बास्केटबॉल से संबंधित है, टॉल्स मेमोरियल ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है, यह है बास्केटबॉल, ठीक। थॉमस विश्व कप की बात करें तो बैडमिंटन से संबंधित है थॉमस विश्व कप। टुनकू अब्दुल रहमान कप की बात करें तो एशिया बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। यू यार कप की बात करें तो आपका लॉन टेनिस से संबंधित है, आपका लॉन टेनिस। उबेर विश्व कप की बात करें तो बैडमिंटन महिलाओं से संबंधित है, ठीक है, ये आपका गोल्फ का कोर्स है। योनेक्स जो है कप है बैडमिंटन से संबंधित है। बॉलकर कप की बात करें तो आपका गोल्फ से संबंधित है। चलिए विम्बलडन ट्रॉफी की बात करें तो लॉन टेनिस से संबंधित है, विम्बलडन विम्बलडन ट्रॉफी की बात करें तो लॉन टेनिस से संबंधित है। आइए आगे समझते हैं। अब राष्ट्रीय ट्रॉफियों के बारे में बात करते हैं। आगा खान कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित है, ठीक है, आगा खान कप हॉकी से संबंधित है। रणजीत सिंह गोल्ड कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। गुरु नानक चैंपियनशिप जो है हॉकी से संबंधित, अखिल भारतीय महिला से संबंधित है, इसको हम अखिल भारतीय महिला कप भी बोल सकते हैं। वरना वेलेक कप की बात करें, वरना वेलेक टेबल टेनिस से संबंधित है, पुरुष से संबंधित है। बैटन कप की बात करें तो आपका हॉकी से संबंधित है। मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। डॉक्टर बी सी रॉय ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है, जूनियर राष्ट्रीय जूनियर। दिलीप ट्रॉफी की बात करें तो आपके क्रिकेट से संबंधित है। डूरंड कप की बात करें तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। एजार कप की बात करें तो आपका पोलो से संबंधित है, ठीक है, पोलो जो घोड़े पे बैठ के खेलते हैं। ईरानी कप की अगर बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी महिलाओं से संबंधित है। रतन टाटा ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी पुरुष से संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। निजाम गोल्ड कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। रंगा स्वामी कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित है, राष्ट्रीय चैंपियनशिप। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट राष्ट्रीय चैंपियनशिप है, क्रिकेट से संबंधित है। रोवर कप की बात करें तो आपका फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। संजय गोल्ड कप की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है। शीश महल ट्रॉफी की बात करें तो क्रिकेट से संबंधित है। सुब्रतो मुखर्जी कप की बात करें, सुब्रतो को मुखर्जी कप की बात करें, फुटबॉल से संबंधित है। टॉड मेमोरियल ट्रॉफी की बात करें तो फुटबॉल से संबंधित है। विट्ठल ट्रॉफी की बात करें फुटबॉल। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट। यादवेंद्र कप की बात करें तो हॉकी से संबंधित है। चलिए खेल और उसके मैदानों के नाम देख लेते हैं। बैडमिंटन का मैदान क्या कहलाता है? कोर्ट कहलाता है, ठीक है। बैडमिंटन का जो मैदान होता है उसको कोर्ट बोलते हैं। यह है बैडमिंटन का मैदान, मैं आपको जूम करके दिखा दूं, यह बैडमिंटन का मैदान है। बेसबॉल का मैदान क्या कहलाता है? यह आपका बेसबॉल, ये बेसबॉल का मैदान है, इस तरह का होता है ये बेसबॉल का मैदान है, इसको बोलते हैं डायमंड। क्या बोलते हैं? डायमंड। मुक्केबाजी के लिए रिंग होता है, ये आपका मुक्केबाजी, मुक्केबाजी के लिए रिंग होता है, ठीक है, मुक्केबाजी के लिए रिंग होता है। क्रिकेट के लिए पिच होती है, आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, ये पिच है ये, ठीक है। गोल्फ की बात करें, गोल्फ लिंग और ग्रीन होता है, यह है गोल्फ, ठीक है, लिंग या फिर ग्रीन होता है, लिंग या फिर ग्रीन बोलते हैं इसको। लॉन टेनिस के लिए कोर्ट बोलते हैं, कोर्ट, ठीक है, कोर्ट। स्केटिंग के लिए रिंग होता है, आपका जो स्केटिंग करते हैं, हाँ स्केटिंग जो करते हैं ये रिंग होता है, ठीक। कुश्ती की बात करें, रिंग या फिर अखाड़ा ही होता है इसके लिए भी, कुश्ती के लिए पटक के जो है, ठीक है, इसके लिए भी कुश्ती के लिए भी अखाड़ा होता है। क्लियर हुआ? चलिए महत्वपूर्ण खेल देख लेते हैं, देशों से संबंधित जो कि अक्सर जो है बहुत ज़्यादा महत्व रखते हैं। राष्ट्रीय खेल की बात नहीं कर रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में प्रमुख रूप से खेला जाने वाला खेल, ठीक है, टेनिस और क्रिकेट,
ठीक है, टेनिस और क्रिकेट। कनाडा का प्रमुख खेल जो है लैक्रोस, ये है आपका लैक्रोस, ये आपका कनाडा में खेला जाता है। चीन में क्या क्या खेला जाता है, टेबल टेनिस जिसको बोलते हैं पिंग पोंग, पिंग पोंग अक्सर आपने सुना होगा, तो ये टेबल टेनिस होता है। इंग्लैंड की बात करें तो क्रिकेट फुटबॉल, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल इंग्लैंड में। भारत की बात करें तो क्या प्रमुख है, हॉकी भी अच्छे खासा खेले जाता है, कबड्डी तो फिर पटकाल मार ही देते हैं, देख कबड्डी और क्रिकेट। जापान की बात करें, जापान तो जूडो प्रमुख है वहाँ का खेल, राष्ट्रीय खेल की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रमुख खेल जो है वहाँ के। मलेशिया की बात करूँ तो बैडमिंटन वहाँ प्रमुख है। स्कॉटलैंड की बात करें तो रग्बी जो है प्रमुख है। स्पेन की बात करें तो वुल्फ फाइट, सांडों की लड़ाई। अमेरिका में बात करें तो बेसबॉल जो है प्रमुख है, ठीक है, बेसबॉल होता है ना ये, चलिए ये कुश्ती, बैडमिंटन, ठीक है, और ये सांडों की लड़ाई, टेबल टेनिस, क्रिकेट, लैक्रोस, ठीक है, और इसको बोलते हैं लैक्रोस हो क्या, ये है रग्बी वाला खेल, ये रग्बी अंकल, ये रग्बी, ये बॉल है ना इस तरह से। चलिए भारत के प्रमुख स्टेडियम देख लेते हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम कोलकाता में है। भैया कोलकाता कहाँ पड़ता है, तो ये रहा आपका, जूम करके दिखा दूँ, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है, जूम करके दिखा देता हूँ, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, मुंबई, ठीक। नेहरू चेपॉक, नेहरू या फिर चेपॉक स्टेडियम चेन्नई में है, नेहरू या फिर चेपॉक, ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा, ये है चेन्नई। नेशनल स्टेडियम कहें या राष्ट्रीय स्टेडियम कहें तो नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। किरण स्टेडियम जमशेदपुर में है, जमशेदपुर झारखंड में पड़ता है। ब्रेबॉर्न स्टेडियम की बात करें तो मुंबई में है ये, ठीक है। यादवेंद्र स्टेडियम की बात करें तो पटियाला में है, पटियाला पंजाब, पंजाब में आपको मिलेगा पटियाला, ठीक है। रणजी स्टेडियम, रणजीत स्टेडियम की बात करें तो कोलकाता में है, कोलकाता में दिखा दूँ यहाँ पर आपको, यहाँ पर ये कोलकाता मिल जाएगा। बारावती स्टेडियम जो है कटक में पड़ता है आपका, ये आपका कटक उड़ीसा में पड़ता है। ईडन गार्डन स्टेडियम की बात करें तो कोलकाता में है, ईडन गार्डन कोलकाता। ग्रीन पार्क स्टेडियम जो है कानपुर में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर। सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है जयपुर में है, जयपुर, ठीक है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। शिवाजी स्टेडियम जो है नई दिल्ली में है, नई दिल्ली। क्लियर हुआ क्या, ये पुरस्कार और सम्मान देख लेते हैं, और सम्मानों में सबसे पहला जो आता है वो आता है आपका नोबेल पुरस्कार, ठीक है, नोबेल पुरस्कार। शुरुआत की बात करते हैं सबसे पहले तो 1901 में ये दिया जा रहा है, शुरुआत में, ठीक है, 1901 से दिया जा रहा है। किसके उपलक्ष्य में दिया जाता है, किन के नाम पर इनका नाम रखा गया है, तो नोबेल पुरस्कार की बात करें तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में वर्ष 1901 में शुरू हुआ है। नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष शांति के लिए, साहित्य के लिए, भौतिकी के लिए, रसायन शास्त्र के लिए, चिकित्सा विज्ञान के लिए और अर्थशास्त्र में बहुमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। अर्थशास्त्र की अगर बात की जाए, अर्थशास्त्र की बात करें या इकोनॉमिक्स की बात करें, तो पहली बार अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो है 1969 में की गई थी। तो पहला नोबेल पुरस्कार 1901 से शुरू हुआ, 1969 में इकोनॉमिक्स में भी नोबेल पुरस्कार दिया जाने लगा। चलिए नोबेल पुरस्कार 2020 की जो है विनर सूची यहाँ पर दिखा दूँ, 2022 का अभी तक आया नहीं है, ठीक है, मतलब एक साल बाद आता है, जैसे 21 वाला है तो इस साल आएगा मतलब, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिटरेचर में इनको, आपका जो है फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स, साइकोलॉजी और मेडिसिन, साइकोलॉजी और मेडिसिन, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ठीक है, पीस प्राइज और साइकोलॉजी और मेडिसिन। अब ये तो हो गए आपके इस तरह से, हम जो इम्पोर्टेंट है, दो नोबल प्राइज 4 अक्टूबर, 4 से 11 अक्टूबर 2021 को ये अनाउंस हुए थे, ठीक है, 2020 वाले,
22 के जो है अभी आ जाएंगे जस्ट। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर थोड़ा सा इंडिया के जो लोगों ने नोबल प्राइज जीता था उनके बारे में पूछा जाता है। सबसे पहला 1913 रविन्द्रनाथ टैगोर नोबल प्राइज इन लिटरेचर। 1930 की बात करें सीवी रमन नोबल प्राइज इन फिजिक्स। ठीक है, हरगोविंद खुराना नोबल प्राइज इन मेडिसिन, यूएस सिटीजन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, मदर टेरेसा नोबल पीस प्राइज, इंडियन सिटीजन ऑफ, ठीक है, अल्बानियन ओरिजिन। ठीक है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नोबल प्राइज इन फिजिक्स कब मिला है, 1983 में, यूएस सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। यानी कि इनका मतलब ये है कि ये रहे यूएसए में रहे हैं लेकिन कभी इनका जो है ये कभी भारत के मूल निवासी हुआ करते थे, इनके परदादा परदादा या कोई ना कोई। ठीक है, अमर्त सेन की बात करें नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, ठीक है, 1998 में प्राप्त हुआ इन्हें। ठीक है, वेंकट रमन ये रामकृष्णन, ठीक है, नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री, यूएस सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ठीक है, कैलाश सत्यार्थी नोबल प्राइज इन पीस, ठीक है, 2014 में प्राप्त हुआ है, ये इंडियन हो गए हैं आपके। 2022 वाली जैसी आएगी अक्टूबर में आएगी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, 21 वाली जो आएगी तो दे दूंगा। चलिए, फर्स्ट नोबल प्राइज केयर मनी 1901 में हुई थी। ठीक है, किस किस को प्राप्त हुआ था यहाँ पर नाम लिखे हैं। ठीक है, ये जो आपका जो है किंग ऑफ स्वीडन डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट नोबल प्राइज इन, ठीक है, चलिए अल्फ्रेड नोबल इनका नाम था। आइए स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका। आगे बात करते हैं रेमन मैगसेसे अवार्ड, रेमन मैगसेसे अवार्ड की बात करें तो यह पुरस्कार जो है फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैगसेसे की याद में दिया जाता है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1957 में इसकी शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार को एशिया महाद्वीप के नोबल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गया। रेमन मैगसेसे पुरस्कार 5 अलग अलग श्रेणियों में दिया जाता है, सामाजिक सेवा में, सामुदायिक सेवा में, पत्रकारिता में, साहित्य एवं शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना व प्रशासनिक सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे विनोबा भावे थे, 1958 में इनको प्राप्त हुआ था, विनायक नरहरि, ठीक है, नरहरि विनोबा भावे। ठीक है, इनको कब मिला था, 1958 में दिया गया था विनोबा भावे। चलिए तो रेमन मैगसेसे पुरस्कार की बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जो इंडियन वगैरह को मिला है। ठीक है, 2019 में रेमन मैगसेसे पुरस्कार की श्रेणी वो डाल दी है मैंने, जो कि 2020 में हुई थी, अभी तक कोई दिया नहीं गया, जैसी होगा मैं बता दूंगा। तो किरण बेदी को जो दिया गया था रेमन मैगसेसे पुरस्कार की बात करें 1994 दिया गया था गवर्नमेंट सर्विस के लिए। बी, ठीक है, बी संस्था की बात करें तो 2005 में प्राप्त हुआ इनको पब्लिक सर्विस के लिए। अरविंद केजरीवाल, वैसे इनका अरविंद केजरी की जगह अरविंद केजरी महावाल नाम बताते हैं कुछ लोग, 2006 में इनको प्राप्त हुआ था इमरजेंट लीडरशिप। ठीक है, दीप जोशी की बात करें 2009 में इनको प्राप्त हुआ था कम्युनिटी लीडरशिप। नीलिमा मिश्रा 2011 में दिया है इनको इमरजेंट लीडरशिप। हरीश हांडे, ठीक है, या हंडे जो भी पढ़ लें आप, 2011 में दिया है कम्युनिटी लीडरशिप के लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड लास्ट देख लेते हैं भारत बाटवानी, ठीक है, सोनम बांगचुक 2018 में मिला है इनको, और रवीश कुमार को दिया है 2019 में, 2019 में जर्नलिस्ट के लिए प्राइम टाइम शो ऑन NDTV। ठीक है, 2019 में इनको मिला है रवीश कुमार को। चलिए, ऑस्कर की बात कर लेते हैं। ठीक है, जो मिला है 2022 वाले भी मैं अलग से मैंने वीडियो बना रखा है वो डाल दूंगा, जो 2021 वाली मूवी वगैरह को मिला है। चलिए, ऑस्कर की शुरुआत 1929 में हुई थी। विश्व स्तर पर सिनेमा के क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर नोमैन लैंड के लिए इनको मिला है, बेस्ट विजुअल इफेक्ट के लिए टेनेट के लिए मिला है इनको। ठीक है, उसके बाद बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, ठीक है, कौन सी है,
नो मैन लैंड, नोमैड लैंड, ठीक है। चलिए यहाँ पर पूरा जो है 93 वाला एकेडमी अवार्ड की पूरी सूची दी है। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एडेप्टिव स्क्रीन प्ले, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, ठीक है। यहाँ पर केवल बेस्ट पिक्चर और बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्टर याद रख लीजिए, ज़्यादा हो तो बेस्ट एक्ट्रेस का भी याद रख लीजिए, ठीक है। जूम कर देता हूँ ताकि आप आसानी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, ठीक है। इस तरह से आप, ठीक है, चलिए देख लेना। फादर में बेस्ट पिक्चर, बेस्ट एक्टर की बात करें तो रिज अहमद, ठीक है, और बेस्ट एक्ट्रेस जो है वियोला डेविस, ठीक है। चलिए 2022 94 वाले एकेडमी अवार्ड जो है हो चुका है सब लोगों को, तो मैं एक दो दिन में वीडियो बन गया है, बस डाला नहीं है, मैंने डाल दूंगा। ग्रैमी अवार्ड की बात करें, ग्रैमी अवार्ड किस लिए दिया जाता है, तो अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1958 में हुई थी। सबसे पहले इसे ग्रैमोफोन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, सबसे पहले इसको या शुरुआत में इसको ग्रैमोफोन पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। ग्रैमी अवार्ड यानी कि म्यूजिक के लिए दिया जाता है। 63वां एनुअल ग्रैमी अवार्ड जो है प्रस्तुत हो चुका है, 14 मार्च 2021 को हुआ था, अभी 22 वाला आया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैडम जी हैं वियोन्से, ठीक है, इनका नाम है वियोन्से, इनको मिला है, ठीक है, मोस्ट अवार्डेड वियोन्स, ठीक है। चलिए मोस्ट नॉमिनेट, तो बस इतना ही याद रखिए, ग्रैमी अवार्ड बस इतना काफ़ी है। बस किस क्षेत्र में दिया जाता है, म्यूजिक के लिए दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार, पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना में मैत्री वृद्धि के लिए किए गए विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। 2003 में किसको दिया था, गोह चौक टॉन सिंगापुर के रहने वाले हैं। 2004 में सुल्तान याकूब, ठीक है, यमन, ठीक है, कबूब है इनका नाम, ठीक है। 2005 में वंगारी मथाई केन्या के रहने वाले हैं। उसके बाद सेकंड लास्ट देख लेते हैं, यहाँ पर जो है सर डेविस, ठीक है, आपका यूनाइटेड किंगडम के हैं, और भारतीय मूल के मनमोहन सिंह को 2017 में दिया गया है, इंडिया के रहने वाले हैं, इतना काफ़ी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1984 में हुई थी, 86 में। यह पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय शांति निरस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ऑल स्वामी पुरस्कार, यह पुरस्कार विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत बनाने में योगदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं कहाँ पर किसको, 2020 वाला देख लेते हैं, ब्लैक लाइफ मैटर ग्लोबल नेटवर्क फाउंडेशन को दिया गया है, ठीक है, इतना याद रखना, ऑल पामी पुरस्कार। फैक्ट, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, भारतीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव ने महात्मा गांधी के 125वें वर्षगांठ के अवसर पर इस पुरस्कार की घोषणा की थी 1994 में, ठीक है, की गई थी। यह पुरस्कार जो है नोबल पुरस्कार की पर आधारित है, ठीक है। चलिए तो गांधी पीस प्राइज की बात करें तो 2021 में दिया गया है, किसको दिया गया है लास्ट, तो फर्स्ट विनर जो है जूलियस नायर हैं, और लास्ट विनर जो है शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान, ठीक है, शेख मुजिबुर रहमान, ये हैं 2020 वाला, बांग्लादेश के रहने वाले थे ये शेख मुजिबुर रहमान। गांधी पुरस्कार की बात कर रहा हूँ, यू थांट पुरस्कार भी देख लेते हैं, यू थांट पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1982 में हुई थी। यह पुरस्कार विभिन्न देशों के मध्य पारस्परिक संबंध मजबूत बनाने के योगदान के लिए दिया जाता है। तो लास्ट जो है 1995 में ये दिया गया था, इसके बाद नहीं दिया गया है, साउथ अफ्रीका, ठीक है, डेसमोंड टूटू, डेसमोंड टूटू 1995 में प्रदान किया गया, इतनी जानकारी काफ़ी है, ठीक है।
ये आपका गांधी जी वाला पुरस्कार है, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टेम्पलटन पुरस्कार, धर्म की उन्नति के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत जो है 1972 में हुई थी। 2017 और 2021 की मैं बात करते हैं, जैन गुडॉल, ठीक है, जैन गुडॉल को दिया गया है 2021 में टेम्पलटन प्राइज। ठीक है, जैन या फिर जैने गुडॉल। ठीक है, शुरुआत कब की गई थी इसकी, फर्स्ट प्राइज 1973 में इसकी शुरुआत की गई थी। 1.1 यूरो इसमें दिया जाता है प्राइज के रूप में, जैन गुडवेल गुडॉल को दिया गया है। 2020 में जो मिला है फ्रांसिस कॉलिन को मिला है, कॉलिन्स को, ठीक है, और मार्सेलो ग्लेशियर को दिया गया है आपका 2019 का। तो वो 2021 वाला याद रखिए आप, जैन गुडॉल और फ्रांसिस कॉलिन को भी याद रख सकते हैं, 2020 वाला टेम्पल्टन पुरस्कार। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार की बात कर लेते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1973 में हुई थी। यह पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, वर्तमान में काजल चक्रवर्ती को जो है ये दिया गया है पुरस्कार। ठीक है, कौन सा, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार काजल चक्रवर्ती को दिया गया है। काजल चक्रवर्ती प्रिंसिपल साइंटिस्ट इन द सेंट्रल मरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हैज वॉन द नॉर्मन बोरलॉग नेशनल अवार्ड ऑफ एक्सलेंस इन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। ठीक है, ये अंकल हैं काजल, ये हैं डॉक्टर काजल चक्रवर्ती। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार इनको दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, काजल चक्रवर्ती प्रिंसिपल साइंटिस्ट, ठीक है, दिया गया है। 2021 का देख लेते हैं, गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज विनर। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1989 में हुई थी। यह पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो 2021 के ये हैं आपके विनर, और 2020 वाले जो हैं यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। बस इतना काफ़ी है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। ठीक है, मिस वर्ल्ड देख लेते हैं, मिस वर्ल्ड। ठीक है, मिस वर्ल्ड 70 साल पहले शुरुआत हुई है। ब्यूटी जो है पेजेंट, ठीक है, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है जो कि यूनाइटेड किंगडम में है। देखते हैं मिस वर्ल्ड की बात करते हैं, मिस वर्ल्ड जो है टॉनी एन सिंह, जमाइका की रहने वाली हैं, टॉनी एन सिंह मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। मिस वर्ल्ड 2018 की बात करें तो वैसे ज़रूरत नहीं है, 2017 वाला देख लीजिए, मानुषी झिल्लर जो है आपकी 2017 की मिस वर्ल्ड चुनी गई हैं। ठीक है, मिस वर्ल्ड 2000 और इंडिया कोई नहीं है, हाँ बस इतना, 2019 वाला याद रखिए और मानुषी झिल्लर का याद रख लीजिए। मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स की बात करते हैं, यह पुरस्कार विश्व की विभिन्न देशों की सुंदरियों में सबसे सुंदरी को दिया जाता है। मिस वर्ल्ड पुरस्कार की शुरुआत 1951 में हुई थी तथा मिस यूनिवर्स की शुरुआत 1952 में हुई थी। मिस यूनिवर्स को देख लेते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, यूनाइटेड किंग नेशन में, नेशनल वो यूनाइटेड स्टेट में है यानी कि अमेरिका में है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं मिस यूनिवर्स देख लेते हैं, एंड्रिया मेजा मैक्सिको की रहने वाली हैं, मिस यूनिवर्स 2020 चुना गया इनको। ठीक है, और इंडियन कोई इसमें है, इतना काफ़ी है, बस इतना याद रखिए, 2020 वाला याद कर लीजिए, एंड्रिया मेजा। ठीक है, चलिए चलिए साथियों आगे बात करते हैं, हम लोग बढ़ लेते हैं थोड़े से भारतीय पुरस्कार के बारे में, जो कि सम्मान कह सकते हैं एक तरह से। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं, सबसे पहले राष्ट्रीय में अगर देखें तो सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है वो भारत रत्न होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले भारत रत्न के बारे में। तो यह भारत का जो है सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, इसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार कला साहित्य तथा जन सेवा में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। सबसे पहले सीवी रमन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पुरस्कार जो है 1961-59 में दिया गया था। ठीक है, किस किस को, आपका द भारत रत्न जो है सीवी रमन, ठीक है, आपके जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इंदिरा गांधी को, महिलाओं में अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी को 1971 में, मदर टेरेसा को 1980 में,
आपका जो है लता मंगेशकर को सन 2001 में दिया गया था। तो सबसे पहले किसे दिया गया? राधा कृष्ण सर्वपल्ली, सीवी रमन और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया। यह क्या है? भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है। चलिए तो भारत रत्न थोड़ा देख लेते। फर्स्ट अवार्डेड 1954, सबसे पहली बार, यार ये गलत हो रहा है, इसकी डेट सही कर लेना। 1954 में दिया गया था सी राजगोपालाचारी को, एस राधा कृष्णन को और सी वी रमन को दिया गया था। लास्ट अवार्डेड जो है नानाजी देशमुख, ठीक है, भूपेंद्र हजारिका, ठीक है, और जो है प्रणब मुखर्जी, ये तीन लोगों को सन 2019 में दिया गया। अभी तक जो है लगभग लगभग 48 लोगों को दिया जा चुका है, ठीक है। तो इसके नीचे जो होता है वो होता है पद्म विभूषण होता है, और ये सर्वोच्च जो है नागरिक पुरस्कार होता है, ठीक है। तो भारत रत्न जो है नेशनल सिविलियंस को दिया जाता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्र, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलिए अब थोड़े से भारत रत्न थोड़े से देख लेते हैं। 1954 में तीन लोगों को सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सी वी रमन को दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट में किसे दिया गया है? प्रणब मुखर्जी को दिया गया है, भूपेन जो है हजारिका को दिया गया है और नानजी देशमुख को दिया गया है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं थोड़ा सा आगे। यहाँ पर जो है बाकी के और भी आपको मिल जाएंगे। वीवी गिरी 1975 में दिया गया है, यहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपके, ठीक है। वीवी गिरी को, इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया है, लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया है, जाकिर हुसैन को आपका 1963 में दिया गया है, एपीजे अब्दुल कलाम को आपका 1997 में दिया गया है। तो इन सबको आप देख लेना अपने हिसाब से, क्योंकि अक्सर पूछ लिया जाता है कि किसको जो है भारत रत्न ही दिया गया है। क्लियर हुआ ना? चलिए भारत रत्न अवार्डेड विनर्स यहाँ पर सारे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। आपका अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी मिल गया है, आपका जो है सभी का जो है यहाँ पर टिकट वगैरह है। थोड़ा जूम करके मैं दिखा देता हूँ, सबकी टाइमिंग लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको जो है इसकी पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आपको मिल जाएगी, ठीक ठीक है। ये सजरोटी करने में बहुत टाइम लग जाता है यार, समझ रहे हो ना। चलिए आइए समझते हैं, पद्म विभूषण देख लेते हैं। पद्म विभूषण या पद्म श्री भी इसको कहते हैं, पद्म भूषण, पद्म श्री भी इसको कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है सरकारी कर्मचारियों को भी दिया जाता है, ठीक है। ये दूसरा सर्वोच्च जो है पुरस्कार है, जो कि आपका सर्वोच्च नागरिक के लिए दिया जाता है। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो हुई थी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला जो दिया गया सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था, नंदलाल बोस को दिया गया था, जाकिर हुसैन को दिया गया था, बाला साहेब गंगाधर खैर को दिया गया था, बी के कृष्ण मेनन को दिया गया था और जिग्मे दोरजी, ठीक है, बांगचुक को दिया गया था। और सबसे लास्ट में जो दिया गया है 2021 में दिया गया है, शिंजो अबे को दिया गया है, एसपी जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है बीबी लाल को, ये आप इसका लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में यानी 2021 में जो दिया गया है उनको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, सबके नाम लिए दिए गए हैं, ठीक है। पद्म विभूषण, ठीक है, आपका श्री शिंजो आबे, ठीक है, पब्लिक अफेयर यानी कि जापान के हैं ये हैं, ठीक है। एसपी जो है बाला सुब्रमण्यम, ठीक है, आर्ट जिससे संबंधित है तमिलनाडु के, ठीक है। डॉक्टर जो है आपके वेल्ले मुनप्पा एज, ठीक है, आपका जो है कर्नाटक के हैं ये, और जो है नरेंद्र सिंह, ठीक है, बी बी लाल, सुदर्शन साहू, ठीक है, मौलाना वहीदुद्दीन खान, ठीक। चलिए तो ये इन लोगों को दिया गया है सन 2021 में। आगे देख लेते हैं पद्म विभूषण में ही, और यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको, ये जो है आपके ये हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पर जो है पद्म विभूषण की बात करूँ तो आइए थोड़ा सा और देख लेते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है। चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, इन लोगों को भी दिया गया है, ठीक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनको भी दिया गया है। पद्मश्री की बात कर लेते हैं, तो पद्मश्री की बात करें सबसे पहले जो शुरुआत इसकी हुई थी 1954 में हुई थी, सत्येंद्रनाथ बोस को दिया गया था। पद्मश्री की बात कर रहा हूँ मैं, पद्मश्री की, पद्म विभूषण की नहीं। और इसको जो है 102 लोगों को दिया गया है, आप हल्का सा देख लीजिए, हल्की हल्की सरसराती निगाहों से, ज़्यादा इसमें से प्रश्न नहीं बनता है, ठीक है, समझ गया ना। चलिए आइए समझते हैं आगे।
दादा साहेब फाल्के पुरस्कार थोड़ा सा देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह पुरस्कार भारतीय फिल्म उद्योग के जनक दादा साहब फाल्के की स्मृति में शुरू किया गया था। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1970 में देविका रानी को प्रदान किया गया था, ठीक है, कब? 1970 में दिया गया था। तो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं, 3-4 साल के जो है लगातार के जो देख लेते हैं। 2016 में दिया गया था, वो दिया गया था 64वां आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है के विश्वनाथ को दिया गया था। 2017 में जो है 65वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की बात करें तो विनोद खन्ना को दिया गया था। उसके बाद 2018 की बात करें, 68वां तो अमिताभ बच्चन को दिया गया था, और 2019 की बात करें तो रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। चलिए अर्जुन पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार, यह पुरस्कार की स्थापना 1961 में हुई थी। राष्ट्रीय स्तर पर खेल में उत्कृष्ट या कहें अच्छा प्रदर्शन करने के लिए यह जो है पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार, ठीक है। 1961 में शुरू किया गया था और लास्ट में जो दिया गया है 2020 में दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक, 15 लाख रुपए इसकी जो है मिलता है, आपका जो अवार्ड जिसको मिलता है। तो यहाँ पर लास्ट के थोड़ा 2020 के देख लेते हैं आप, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2020 में दिया गया है, अदिति अशोक, राहुल अवारे, ठीक है, इनका आप देख सकते हैं किससे संबंधित है। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि अदिति अशोक को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, वो किस क्षेत्र में दिया गया, तो गोल्फ से संबंधित हैं ये, मेल फीमेल हैं। ऐसी आपसे मान लीजिए ये पूछ लिया जाए कि आपका जो है सुदर्शन चौधरी जो है किस क्षेत्र में जो है इनको जो है अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो शूटिंग में मिला है, ये मेल हैं। सभी के नाम दिए गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, गोल्फ है, रेसलिंग है, शूटिंग है, ठीक है, रोलिंग है, आपका जो है बॉक्सिंग है, ठीक है, एथलेटिक्स हैं, ठीक है, इनका आप कबड्डी देख लीजिए, ठीक है, सभी के नाम दिए गए हैं। सन 2000 में दीप्ति शर्मा जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं, ईशांत शर्मा जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं, चिराग शेट्टी बैडमिंटन से हैं, अक्षय दीप सिंह जो है आपका हॉकी से हैं, काले सकीरा सु काले सरीका जो है सुधाकर की बात करें खो खो में मिला है, दीपिका ठाकुर की बात करें तो हॉकी में मिला है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस क्षेत्र में जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है मनु मनु भाकेर को, ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे शूटिंग में प्रदान किया गया है। स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो खेल प्रशिक्षण को दिया जाने वाला है सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। इसकी शुरुआत 1985 में हुई थी। सबसे पहले इस पुरस्कार को ओ एम नंबियार एथलीट पीटी उषा के प्रशिक्षक को दिया गया था, ठीक है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड की बात करें तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो दिया गया था 1985 में, लास्ट में दिया गया है 2020 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 2019 की बात करें तो ओम प्रकाश भारद्वाज, ओ एम नंबियार, ठीक है, नंबियार नहीं, बाल चंद्र भास्कर भागवत, ठीक है, तो इन लोगों को, तीन लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। 15 लाख इसकी जो है धनराशि होती है। तो आपसे जो 2000 आपका जो है जूम करके दिखा देता हूँ, धर्मेंद्र तिवारी जो है, ठीक है, पुरुषोत्तम राय, शिव सिंह, रोमन पठानिया, कृष्ण कुमार हुडा, ठीक है, विजय बालाचार्य, ठीक है, उसके बाद जो है नरेश कुमार, ओम प्रकाश दहिया, ठीक है, इन लोगों का पूछा जाएगा कि आपका किस क्षेत्र से है, हॉकी, कबड्डी, ठीक है, टेनिस, रेसलिंग। आइए समझते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे प्रश्न आपके पूछ भी लिए जाते हैं। इस पुरस्कार की स्थापना का श्रेय जो है प्रसिद्ध उद्योगपति शांति प्रसाद जैन जी को दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 1965 में हुई थी, ठीक। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भारतीय भाषाओं के लेखकों से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लेखक को ये दिया जाता है, ठीक है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, शुरुआत की बात की जाए तो आपको कब शुरू हुआ था, 1965 में, लास्ट जो अवार्डेड हैं वो है 1919 में, ठीक है। तो कि सबसे पहले मोस्ट रिसेंट जो दिया गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2016 का, लास्ट में 2019, 16 का देख लीजिए, ठीक है, बंगाली का है ये, और कृष्णा सोबती जो है, कृष्णा सोबती हिंदी से संबंधित हैं ये 2017 में दिया गया है। और अमिताभ घोष पूछ लिया जाता है कि कृष्णा सोबती को जो है किस क्षेत्र का पुरस्कार दिया गया, ज्ञानपीठ या फिर जो है द्रोण पुरस्कार, या फिर जो है अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया तो किस विधा के लिए दिया गया, हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, मलयालम, तमिल, तेलुगु, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कृष्णा सोबती हैं, अमिताभ घोष हैं, ठीक है, और जो है ये क्या है, अक्केथम, अच्युतम नंबूथिरी, ठीक है, नंबूथिरी, तो ये मलयालम से संबंधित हैं, ठीक है, 2019 में दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात कर रहा हूँ मैं। चलिए
यहाँ पर इनका जो है आप देख सकते हैं, ये इनको दिया गया है 2019 में, 2019 है हाँ 2019। चलिए साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत जो वर्ष 1955 में हुई थी। यह पुरस्कार जो अंग्रेजी साहित्य जो है 22 भारतीय भाषाओं में पिछले 5 वर्षों में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ रचनाओं के आधार पर दिया जाता है, ठीक है। तो साहित्य अकादमी अवार्ड 2020 को जो है मैंने यहाँ पर जो है किया गया है, इन लोगों के नाम है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत हुई थी 1954 में और लास्ट जो दिया गया है वो 2020 में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब से ये कोरोना वोरोना हुआ है तब से बहुत फैली हुई है, तो थोड़ा सा ये अवार्ड फवार्ड जो है फंक्शन वगैरह नहीं हो रहे हैं। तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर आप देख लीजिए विनर और टाइटल, भाषा भी दी गई है, ठीक है। अपूर्वा कुमार से किया, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं तौत स्टोरी असमिया, ठीक है। तो इसको मैं जूम कर देता हूँ, अनामिका, ठीक है, ये हृदय, ठीक है, ये इस तरह से आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। चलिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की बात करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, तकनीकी कुशलता तथा शिक्षा प्रद सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अवार्ड जो है लास्ट देखा जाए सबसे पहले शुरू कब हुआ था, ये आपका जो हुआ था 22 मार्च 2021 को लास्ट जो है अवार्डेड है ये 67th नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। तो इसका जो है आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए, ठीक है। बेस्ट फीचर फिल्म जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अरवियन सी, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा, यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कंगना रानौत, ठीक है, और सबसे अभिनेता जो है धनुष, ठीक, और सबसे अभिनेता जो है मनोज वाजपेयी, ठीक है। चलिए 67th की बात कर रहा हूँ मैं, 67 में फिल्म फेयर अवार्ड की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेस्ट फिल्म फीचर फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है। चलिए चमेली देवी पुरस्कार भी देख लेते हैं। यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में महिलाओं को उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है। चमेली देवी जैन अवार्ड 2019 में दिया गया है, रोहिणी मोहन और जर्नलिस्ट को दिया गया है, और ये आरफा खानम शेरवानी जर्नलिस्ट है इनको दिया गया है। ये बहुत फेमस है, भारत विरोधी गतिविधियों में ये लिप्त रहती है। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसे लोग तो बने ही रहते हैं, ये संत हैं भारत देश के, ठीक है। चमेली देवी जैन अवार्डेड फॉर द आउटस्टैंडिंग वूमेन, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं शुरुआत हुई थी 1981 में, लास्ट दिया गया 2020 में। तो 2020 में जो है 19 की जो रही हैं वो मैडम जी ये हैं आरफा से खानतून शेरवानी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16, ठीक है। और नीतू सिंह 2020 में दिया गया है गांव कनेक्शन के लिए, ठीक है, गांव कनेक्शन, नीतू नीतू सिंह बेक को, ठीक है, नीतू सिंह, ठीक है। तो वो सॉरी नीतू सिंह को दिया गया है चमेली जैन देवी पुरस्कार 2020 वाला, ठीक है। 19 की बात करें आरफा खानम शेरवानी और रोहिणी मोहन को दिया गया है, द बायर की पत्रकार हैं दोनों, और द बायर गजब का प्रचंड जो है भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है ये। प्रियंका दुबे को भी दिया गया है बीबीसी में, ये भी भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहता है। और उमा सुधीर जो है एनडीटीवी, तो आप समझ ही सकते हैं ये तो गद्दार का पक्का वाला है, ठीक है। चलिए तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चलिए परमवीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और आपका जो है शौर्य चक्र थोड़ा सा देख लेते हैं। यह चक्र चक्र की बात करें तो यह पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा वीरता का साहस दिखाने या फिर आत्म बलिदान के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लास्ट में जो दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट अवार्ड 6 जुलाई 1999 को हुआ है, ठीक है। और शुरुआत जो है फर्स्ट जो हुआ था 3 नवंबर 1900, कौन सा, परमवीर चक्र, ठीक है, यहाँ पर परमवीर चक्र की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के नाम है, सोमनाथ शर्मा मेजर, ठीक है, नायक, ठीक है, वो आप इस तरह से देख लीजिए, राम रघुबा राणे, ठीक है, राम रघुबा राणे, सेकंड लेफ्टिनेंट बॉम्बे सेपर्स, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लेना इसका। यहाँ पर सभी के दिए गए हैं 1971-87 ये लोग जिनको भी जो है दिया गया है, कौन सा परमवीर चक्र जिसको दिया गया है उनके नाम है, आप इनके देख लीजिए अपने हिसाब से सेट कर लेना।
ठीक है। चलिए यहाँ पर इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। चलिए मिस इंडिया के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, यहाँ पर जो है 2022 से संबंधित थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आइए समझते हैं, मिस इंडिया भारतीय युवतियों के शारीरिक एवं बौद्धिक सौंदर्य को सम्मानित करने के लिए पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और आपको बता दूं 1952 से ये शुरू हुआ है, और लास्ट अवार्डेड की अगर बात करें तो यहाँ पर जो दिया गया है 2022 तक जो है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनसा वाराणसी की बात करें, इनका नाम है मनसा वाराणसी, तो इनको जो है दिया गया है 2020 में दिया गया है, लेकिन वर्तमान में अभी तक जो है यही है, ठीक है, मिस मनसा वाराणसी, ठीक है, ये मिस इंडिया चुनी गई हैं, ठीक है। तो मनसा वाराणसी जो है आपकी वाराणसी की रहने वाली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हु इज़ द वन मिस वर्ल्ड की बात करें तो टॉनी एन सिंह जो है मिस वर्ल्ड चुनी गई है। मिस इंडिया की बात करूँ तो मनसा वाराणसी, मिस वर्ल्ड जो है टॉनी एन सिंह, ठीक है। अब बात आती है टॉनी एन सिंह, ठीक, मिस वर्ल्ड, आपको यूनिवर्स भी मैं बता चुका हूँ, क्लियर हो गया ना। चल आगे देखते हैं, आगे देखते हैं तुलसी सम्मान के बारे में बात करते हैं। तुलसी सम्मान, इस पुरस्कार की शुरुआत जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बस वर्ष 1983 में हुई थी। यह पुरस्कार जो है राष्ट्रीय स्तर पर जनजातीय लोक कला के विकास में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। लास्ट में जो है 2007 में कैलाश चंद शर्मा को दिया गया है, ठीक है, और विक्रम यादव को सन 2018 में दिया गया है, ठीक है। तो तुलसी सम्मान, ठीक है। चलिए तानसेन सम्मान की बात करते हैं। तानसेन, इस पुरस्कार की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 1980 में हुई थी। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत गायन एवं वाद्य क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड म्यूजिक फेस्टिवल तानसेन समारोह की बात करें, तानसेन सम्मान जो है आपको दिया गया है। तो यहाँ पर अगर लास्ट देखा जाए तानसेन सम्मान की अगर बात करें, तानसेन सम्मान टू द लास्ट देखा जाए तो 2016 से देख लीजिए, यहाँ पर जो है 2016, 17, 18, 19, 20, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2018, 2019, 2020, 2020 की बात करें तो सतीश व्यास को दिया गया है। ये संतूर प्लेयर हैं, यानी संतूर वादक हैं, ठीक है, संतूर वादक हैं। पंडित जो है विद्याधर व्यास को जो है हिंदुस्तानी वोकलिस्ट हैं, ग्वालियर घराना इनका है, ठीक है। मंजू मेहता आप देख सकते हैं, पंडित जो है उल्हास कासालकर, ठीक है, कासालकर, ठीक। तो ये आपके जो है तानसेन हो गया सम्मान और तुलसी सम्मान। आइए नेक्स्ट देखते हैं, चलिए धनवंतरी पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1971 में हुई थी। यह पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन सेवा हेतु दिया जाता है, ठीक है। तो फिर से बता दूं, जो धनवंतरी पुरस्कार होता है वह चिकित्सा क्षेत्र के में आजीवन सेवा हेतु दिया जाता है, धनवंतरी सम्मान, ठीक है। लास्ट 2017 में दिया गया था। जी डी बिरला ज्ञान विज्ञान पुरस्कार की बात करूँ, फिर से बता दूँ, जी डी बिरला ज्ञान विज्ञान पुरस्कार, इस पुरस्कार की शुरुआत 1991 में हुई थी। यह पुरस्कार भारतीय वैज्ञानिकों को उच्च स्तरीय शोध कार्यों के लिए प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो लास्ट जो 2021 में जो दिया गया है प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। फिर से बता दूं, लास्ट में 2021 में जी डी बिड़ला ज्ञान पुरस्कार 2021 में प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को दिया गया है। 2018 में जो है राजीव कुमार जो है वासने को दिया गया है, ठीक है, राजीव कुमार वासने को दिया गया है, ठीक है। और 2017 में आप देख सकते हैं 2016, 2015, तो हमें याद रखना है, तो 2021 वाला 18 से काम चल जाएगा, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती, ठीक है, प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती। चलिए इससे क्या मिलता है, 5 लाख रुपए का कैश प्राइज है। चलिए साथियों थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, आपकी मुद्राएं देख लेते हैं देशों की। तो रूस की मुद्रा देखें तो रूबल है, चीन की मुद्रा युआन है, जापान की मुद्रा येन है, जर्मनी की मुद्रा यूरो है, फ्रांस की मुद्रा यूरो है, यूनाइटेड किंगडम की पौंड है, भारत की रुपया है, दक्षिण कोरिया की बॉन है, इजराइल की सेकेल है, कनाडा की जो डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया की ऑस्ट्रेलिया डॉलर है, ईरान की रियाल है, इराक की ईरानी दिनार है, सऊदी अरब की रियाल है, सूडान की सूडानी पाउंड है, मिस्र की पाउंड है, मलेशिया की जो है रिंगिट है, और इंडोनेशिया की रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने और भी यहाँ पर दे रखे हैं, आप इनको भी थोड़ा सा देख लेना। फ्लैग ऑफ यूरोपीय सिटी कैपिटल यहाँ पर दी गई है, आप सभी का जो है कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप कर दीजिए इस तरह से, स्क्रीनशॉट ले लेना।
तो ये मैंने कर दिया आपका जो स्टैटिक जीके। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश की आप लोगों को जो भी टॉपिक प्रमुख थे उनको डालने की और जल्दी करने की, लोगों की जल्दी होती है। तो यहाँ पर बता दूँ आपको कंप्लीट GS का कोर्स मिल जाएगा, जो वर्तमान में अभी जो है 90% ऑफर जो चल रहा था उसको मैंने और कम कर दिया है, क्योंकि इसको मैंने जो है अभी 200 का कर दिया है पूरा GS का। आने वाले समय में ये 10 का ही कर दूंगा मैं, मुझे उम्मीद है कि इस महीने या फिर अगले महीने तक इसको रखूंगा इतना, फिर मैं इसको फिर से 10 का कर दूंगा, ठीक है। तो आप इसको खरीद सकते हैं। GK वाला जो है अभी बहुत सस्ता चल रहा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। 299 का था, उसमें भी मैंने काफ़ी लेस कर दिया है, आप जाके विजिट कीजिए आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और देख सकते हैं चैनल पे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, सारा मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा रखा है, आप जाकर देख चेक प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, आप UPSC कर रहे हैं, स्टेट PCS है, UP SSS है, UK PCS है, MP PCS है, BPSC है, ठीक है। तो यहाँ पर जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आपको सभी कुछ मिलने वाला है। करंट अफेयर जो है तैयार करता हूँ मैं, पर डे का डालने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मंथली तो मैं डाल ही देता हूँ। और IAS प्रीलिम्स मेंस हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको मटेरियल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, साइंस, इंडियन इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेन, एनवायरमेंट, इकोलॉजी, मैथ और रीजनिंग की क्लास यहाँ पर मिलती है, मतलब करके रखा है मैंने आप लोगों के लिए। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बता दें कोई आप जो है इस तरह की PDF लेंगे तो वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप उसी प्लेलिस्ट में चले जाएंगे। तो इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे जा सकते हैं, यूट्यूब पर तो आप हमसे जुड़े हैं, ट्विटर पे जाकर जो है आप जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर खेल सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए फिर अगले वीडियो में यहाँ पर इस तरह से प्ले लिस्ट देख सकते हैं, ये है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, इंडियन पॉलिटी की, इंडियन ज्योग्राफी की, जीव विज्ञान, यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारी प्ले लिस्ट वगैरह बना रखी हैं। ये वीडियोज पड़े हुए, भारत का भूगोल, जीव विज्ञान, अर्थ, भारतीय अर्थव्यवस्था, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है, आपका जो है आधुनिक भारत, इंडियन पॉलिटी, ठीक है। तो चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, खेलिए कूदिए, आनंद लीजिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए या फिर गाजियाबाद रहिए। जय हिंद।